हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम है रमन साइंस के फेसबुक पेज पर। तो आपके लिए फिर से एक और एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूँ, तो चलते हैं आज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए दो कोनिकल फ्लास्क। फर्स्ट वाले फ्लास्क में आपको विनेगर लेना है और दूसरे फ्लास्क में लेना है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें हमने विनेगर से इसे फिल किया है और इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड से। जो विनेगर वाला फ्लास्क है इसमें आपको बेकिंग सोडा डालना है। आप लोगों को यहाँ पर कुछ रिएक्शन होते हुए दिख रही होगी, बबल्स इवेपोरेट हो रहे हैं यहाँ से। और सेकेंड वाले फ्लास्क में आपको डालना है पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर भी रिएक्शन हो रही है। इसके बाद आपको एक वुडन स्टिक लेनी है, इसे जलाना है। और इस फ्लास्क में रखना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वुडन स्टिक जो है वो ज्यादा जल रही है, इस फ्लास्क में बुझ रही है। यहाँ जलने लगी, यहाँ बुझ गई, यहाँ फिर से लीड होने लगी, यहाँ फिर से बुझ गई। तो इसके पीछे का जो रीजन है, जो फर्स्ट फ्लास्क में हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड दिया था, यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई है, इसीलिए यहाँ पर जो स्टिक है वो जलने लगती है। और ये जो सेकेंड फ्लास्क है यहाँ पर हमने लिया था विनेगर और बेकिंग सोडा का सोल्यूशन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है।